केजरीवाल साहब, यहाँ उपस्थित लीडर और दिल्ली के संसद, यहाँ पे आए हुए इस मजलिस में सब लोगों को मेरा आदाब। और जो आपने आज यहाँ पे सबको अंतर बुलाया है कि देश को बचाना है और देश को उनसे बचाना है जो कि देश को तोड़ रहे हैं, ये आसान नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं, तो सच्चाई ये है, इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। अमित शाह साहब ने सही कहा, 50 साल ये रहेंगे। अगर हम लोग जो यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं और इनके नेता जो हैं, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे अगर देश को बचाना है तो हमें अपनी जमात को भी कहीं ना कहीं कुर्बान करना है। अगर हम अपनी जमात को कुर्बान नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि हम इनको हटा सकते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, तुम गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को दूर करो। वो जमाना गया जब एक ही झंडा एक कोने से दूसरे कोने से लटकता था, वो जमाना गया। अगर फिर से तुम वो जमाना लाना चाहते हो, तो ये तो बीजेपी कह ही रही है कि हमारा झंडा कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से महाराष्ट्र तक उड़ता रहेगा। इसे अगर उसको हटाना है तो हमने यकजहती दिखानी है, प्यार दिखाना एक दूसरे के लिए और भूल जाना है। अरे जो हम पे वार किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो हमारी खुद मुख्तारी लूटी गई, मैंने उसको साइड में रखा। मैंने कहा पहले उनको निकालो जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हिंदू को अलग खड़ा करना चाहते हैं, मुसलमान को अलग खड़ा करना चाहते हैं, सिख को अलग खड़ा करना चाहते हैं। आज वो जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे और जब मैंने वो डिबेट सुनी आज पार्लियामेंट में, और मैंने पहले भी ये सुना था और गया था जलियांवाला बाग में, वहां जब डायर ने गोली चलाई, उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, सिख है या हिंदू है। उसने गोली चलाई कि ये हिंदुस्तानी है और मैंने इस हिंदुस्तानी को मारना है। उस कुएं में हमारी बहनें और हमारी माएं और हमारे बच्चे सिसक सिसक के मर गए। वहां 6 से 13 अप्रैल तक बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है और 13 तारीख को सिखों का धर्म जो है वो इमर्ज हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका नियम रखा। ये लोग वहां बैठे हुए थे, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों को हटाने का। ये नहीं कि मैंने कुर्सी पे बैठना है, इसलिए किया कि भारत से अंग्रेजों को निकालना है। और वो बंबई से चले अमृतसर जाने के लिए, अंग्रेजों ने उसे पंजाब के सरहद पे ही रोक दिया। उनकी उस मुहिम को एक कश्मीरी जो डॉक्टर था अमृतसर में, किचलू, उसने और मदन मोहन जी ने इसको थामा और इस मुहिम को चलाया पंजाब में। उनकी लड़ाई ये नहीं थी कि
कि चलो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा हिंदुस्तान का। आज हम ये सोचते हैं कि मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हम पहले ही प्रधानमंत्री बन गए। हालत यह है, उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पे पड़ा हुआ है, वो हिंदुस्तानी का खून था। उस वक्त धर्म नहीं था, आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। तो अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सबका भगवान है। वो अंग्रेजों का भी है, रूसियों का भी है, उनका भी है जो मानने वाले नहीं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रबुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है। हम कहते हैं वो अल्लाह कायनातों का रब है, आलम का रब है, कोई माने या ना माने। मगर इसमें हम लड़ाई नहीं करते। हम हिंदू से ये नहीं कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। ये हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहां है और जिसने दफन होना यहां है। उसके जलाके का बाद भी उसकी जो खाक है वो इस जमीन में मिल जाएगी। मगर ये वो नहीं कहते, ये कहते नहीं, मेरा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अब आपने दिखाना है और इस मुल्क ने दिखाना है कि क्या वो रास्ता चाहिए हमें या वो रास्ता चाहिए जिसमें हर हिंदुस्तानी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी जवान हो, वो जिंदा चल सकता है और अमन से चल सकता है और इज्जत से चल सकता है। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकेंगे। पहला कदम हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। आज हम पे तलवार लगी हुई है, खड़ी है। हर जगह झूठ बोला जाता है। अरे मेरी रियासत का हाल देखो, जहां कहते हैं हमारा संकल्प है कि हर जगह बिजली होगी, हर जगह तार होगी। मैं इनसे पूछता हूं, आपका संकल्प तो बड़ा अच्छा है, आइए देखिए मेरी रियासत में श्रीनगर में बिजली है या नहीं। गांव की तो बात ही नहीं, आइए देखिए। आज 70 साल के बाद भी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया वतन को जोड़ने का। सड़कें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक, पूरी ऐसी सड़कें होंगे जो यूरोप में नहीं हो सकती। आइए मेरी रियासत में देखिए, 30 किलोमीटर 30 मील बानीहाल से रामबन तक आज तक उसको ठीक नहीं कर सके, आज तक ठीक नहीं कर सके। और हमारे लोग दर बदर रास्तों पे पड़े हुए हैं, हमारी माएं बहनें, हमारा खाने का सामान, तेल। यानी हाल देखिए,
कि 70 साल के बाद हिंदुस्तान की आजादी में हमारे यहां 10 लीटर डीजल मिलता है और 3 लीटर पेट्रोल मिलता है। अरे मोदी जी, कभी तो सच बोलिए कि हमारा हाल क्या है। जिस रेल को कश्मीर पहुंचना था, कटरा से बनिहाल तक, वो कहते हैं, पहले कहते थे 2007 में पहुंचेगी, फिर कहने लगे 2010 में, फिर 15, आप कहते हैं 2025। मेरे ख्याल से तब तक मैं पहुंच जाऊंगा अल्लाह के पास, वो रेल छुक छुक करके भी नहीं पहुंचेगी। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है, वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे, वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। वहां कोई बचाने वाला नहीं है, जो करोगे वही बचाएगा। इसलिए उससे डरो, उससे डरो, हमारे से मत करो, उससे डरो। हमारे यहां भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। दिन में वो खुदा होता था, रात को जब रात होती थी तो फिर कहता था खुदा तू ही है, मगर मैं क्या करूं, मुझे इनने खुदा बना दिया है। और हाल देखिए, उसी मूसा को, उसे उससे कहा गया था कि तुम्हारा मारने वाला एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसने हुक्म दिया कि सारे बच्चों को मार दिया जाए। उसकी मां डर के मूसा को नदी में बहला दिया और उस नदी जो है वहां मिस्र में, वहां पे उस वक्त की इनकी महारानी समंदर पे, उस दरिया पे टहल रही थी, बच्चे की आवाज आई तो उसकी वो जो जिसमें उसको रखा था उसको लाया, उसी फिराउन के घर में उसको पाला। देखिए कुदरत। और जब फिराउन ने जुल्म करना शुरू किया और जबरदस्त जुल्म किया तो मूसा का, अल्लाह का हुक्म आया, मूसा अपने लोगों को यहां से ले जा। और जब फिराउन को यह खबर आई कि मूसा अपने लोगों को लेकर जा रहा है, फिराउन ने सारी अपनी फौज जमा की, रथ पे, घोड़ों पे, पैदल हजारों में, और आगे ये समंदर आया। देखिए कुदरत, अल्लाह ने उस दरिया को दो हिस्से कर दिए और मूसा और इसके लोग उस दरिया को पार कर गए। और ये फिराउन जो सारी कुव्वत लेके आ रहा था, जब बीच दरिया के अंदर पहुंचा, इस सारे फिराउन को और इसकी सारी फौज को डुबा कर दिया गया। अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे चीजों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे। भाई लोगों, पहले अपना ईमान सही करो, अपने भगवान को पहचानने की कोशिश करो। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। और अगर तुम अपने धर्म को समझते हो तो याद रखना, हमारे धर्म में भी लिखा है कि देखो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अल्लाह तुम मानते हो, तुम दूसरे के खुदा के बारे में कुछ मत कहो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम उसे खिलाफ अगर कुछ कहोगे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे अगर ये तुम्हारे खुदा के बारे में कुछ कहेंगे। ये है हमारा ईमान। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही
मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। मैं उस घर में पला हूँ जिसमें था नारा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, यानी सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। आज हम लोगों को बांटा जा रहा है, इसलिए आपसे और इन लीडरों से अपील करता हूँ, सब लीडरों से, कि अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूँ अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। मगर वार्निंग है, जैसे खुदा खुद नहीं आता, जब जगाता है उसकी ताकत देखिए क्या है। एक है जमीन को हिलाता है और ऐसा हिलाता है कि पता ही नहीं लगता कहां से हुआ, या ऐसे समंदर के तूफान या पानी का तूफान लाता है, वो भी जो नमाजी हो मंदिर जाने वाला हो उसको भी डुबाता है और जो नहीं है वो भी डूब जाता है। तीसरा, ऐसी आग लगा देता है जैसे आपने अभी अमेरिका में भी देखा और अभी इस होटल में भी देखा होगा, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। उसकी ताकत को पहचानो, वो हमें जगाने की कोशिश करता है कि देखो अपना रास्ता सही करो, सच बोलो, ईमान के रास्ते पे रहो, झूठ बोलने से दूर रहो। अगर हम ये करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं इस जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है जिसे हम हिंदुस्तान या भारत कहते हैं, कोई मुल्क नहीं। यहां सारे धर्म हैं, यहां जहां एक तरफ से बर्फ है वहां दूसरी तरफ से रेगिस्तान भी है, वहां तीसरी तरफ से समंदर भी है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हम ही इंसान हैं जो उसकी कुदरत का शुक्रिया नहीं करते। हम भूल गए हैं, खाना खाएंगे उसका नाम नहीं लेंगे, खाना खा के भी उसका नाम नहीं लेंगे। यह हालत है हमारी हो गई है। और जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, हम इस देश को सुधार नहीं सकते। इसे मेरी अपील है आप सब पे, जब इलेक्शन आए और मरने का समय भी होगा, उससे कहना भगवान से मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे कि मैं अपना बटन दबा सकूं, उसके बाद मैं तैयार हूं, जहां ले जाओगे मैं तैयार हूं जाने के लिए। उस वक्त ये नहीं कहना नहीं जी मैं काहे को जाऊंगा, मेरे पानी नहीं आया, मेरे यहां बिजली नहीं थी, मेरी सड़क देख लीजिए। अरे ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये हो जाएगा। अगर देश बच गया तो सब कुछ हो जाएगा। मैं ईमानन आपसे कहता हूं ये देश ऐसे उठेगा कि कभी आपने देखा नहीं होगा। और मरने से पहले मैं जरूर वो देश देखूंगा जिसे मैं कहूंगा गांधी तेरा देश बन गया, शेख अब्दुल्ला तेरा देश बन गया, नेहरू तेरा देश बन गया, आजाद तेरा देश बन गया। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो काले पानी में मर गए, जलियांवाला बाग में मर गए, उनसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए मगर आज वो देश तुम्हारी मेहरबानी से जिंदा है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। मेरे साथ जरा जोर का नारा दीजिए, जय हिंद। अरे हाथ उठा के क्या मर गए हो, हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।